हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम वन प्रेस की थीम के कलर के बारे में बात करने वाले हैं। वन प्रेस का कलर जो कि ब्लू एंड यहाँ पर डार्क ब्लू के अंदर आता है, उसके थीम के अंदर आपको कलर करना, अपना खुद का मॉडिफाई करना है, यानी कि टेक्स्ट कलर या फिर फुटर कलर या फिर हेडर कलर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वन प्रेस थीम की। आप यहाँ पर जो कि कलरिंग है वो चेंज कर सकते हैं अपने यहाँ पर जो कि ब्लॉगर के अंदर, एंड यहाँ पर अगर वर्ड प्रेस के लिए भी मिलती है तो आप वर्ड प्रेस में भी जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाकर देख सकते हैं मेरी भी वन प्रेस की थीम है, लेकिन मैंने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर चेंज कैसे करना है। वन प्रेस एक थीम है जिसके अंदर आपको वेबसाइट को, आप किसी भी थीम को अप्लाई करते हो उसको, तो यहाँ पर वो वेबसाइट है जो कि 1 या 2 सेकंड के अंदर जो कि लोड हो जाती है, यानी कि जल्दी जल्दी ओपन हो जाती है, जिससे हमें को बाउंस बैक का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। यानी कि कोई भी हमारे पास यूजर आता है वेबसाइट के ऊपर तो वो वेबसाइट को मतलब खुलती है, अगर 10 सेकंड में खुलती है तो वो बाउंस बैक हो जाता है, बैक कर देता है, ठीक है। यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर या फिर 1.7 सेकंड में यहाँ पर वन प्रेस की थीम खुलती है, ठीक है। तो इस थीम के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ओके। यहाँ पर जो मैंने पहले से वन प्रेस थीम की यहाँ पर कलर चेंज कर दिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं technologymanish101.blogpost.com, ठीक है। तो यहाँ पर आप वन प्रेस की थीम है, इसके अंदर ब्लू और डार्क ब्लू वाला कलर था, ठीक है। तो इसके अंदर आप सिंपल सा देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरी थीम को चेंज कर दिया है, एंड यहाँ पर मैंने ऑरेंज एंड ब्लैक के अंदर इसको कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरी थीम है जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रही है, ओके। तो इसको कैसे चेंज करना है, एंड यहाँ पर आपको होवर कलर, एंड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कैसे चेंज करनी है वो यहाँ पर मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नया ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट कर लिया, तो वी ब्लॉग पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके अंदर हमको थीम अप्लाई करनी होगी। तो थीम आपको डाउनलोड कर लेनी है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको थीम को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ओके। गाइस, हमने थीम डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपको 2 वेबसाइट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको एक तो टेम्पलेट डाउनलोड करना है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में आपको HTMLCSSColor.com वेबसाइट मिलेगी। इसके अंदर से हमको कलर का कोडिंग है वो यहाँ पर डालना है, एंड कलर कौन सा है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको थीम के बटन पर क्लिक करना है, एंड आपको जो भी थीम अप्लाई करनी है वो कर सकते हैं आप। वन प्रेस का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन सबके अंदर सेम कलर होते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एडिट HTML की जगह यहाँ पर आपको बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करना है। पहले हमको थीम तो लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, एंड आपको जो भी थीम आपने ले रखी है उसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर वन प्रेस फ्री वाली मैंने थीम यहाँ पर ली है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पर टेम्पलेट को ओपन करना है, उसके बाद आपको फ्री XML को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए गाइस, हमारी थीम अप्लाई हो चुकी है, अब हमको रिफ्रेश करना है अपने ब्लॉग को। अब यहाँ पर हमारी थीम ऑटोमेटिक आ चुकी है, देख सकते हो आप, सिंपल बिल्कुल एकदम आ चुकी है, ठीक है। अब इसको हमको कैसे चेंज करना है, सबसे पहले जाना है आपको यहाँ पर एडिट HTML पर क्लिक करना है थीम के ऊपर जाकर, एंड यहाँ पर आपको जो भी सेटिंग्स है वो यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो गाइस, ये है HTML कोडिंग, ठीक है। इसको हमको कैसे चेंज करना है, सबसे पहले मैं इसको बड़ा दिखा देता हूँ, यानी कि आपको साफ साफ दिख जाए, ओके। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, नीचे आना है आपको सिंपल सा, या फिर आप Ctrl+F दबाएं, HTML पे पहले क्लिक करें, उसके बाद Ctrl+F दबाएं, ठीक है। इसके बाद सर्च का बटन आ चुका है, इसके ऊपर आपको सर्च करना COLOR, ठीक है। कलर हमने सर्च कर दिया, यहाँ से हमारे जो भी सारे कलर्स हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होने लग गए हैं, ठीक है। कलर जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ये यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। अब सबसे पहले मेन कलर, यानी डिस्क्रिप्शन थीम कलर, जो भी आपको कलर है यहाँ पर हम चेक करें, जो यहाँ पर जो कोडिंग दे रखी है आगे उसको हमको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके हमको HTML CSS कलर में जाकर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये जो कोडिंग पेस्ट की, यहाँ पर ब्लू कलर आ चुका है, ठीक है। अभी इस ब्लू कलर को हमको सिंपल सा यहाँ पर सर्च कर लेना, क्योंकि हमको पूरी थीम चेंज करनी है, हमको कलर चेंज करना है। यहाँ पर मैंने कलर की जगह मैंने ये वाला कोडिंग है जो कि पेस्ट कर दिया है। अब जहाँ पर भी ये वाला कोडिंग है उसकी जगह हम अपना मनपसंद कलर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर के बटन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से मैं यहाँ से लूँगा, अब की बार मैं यहाँ से लेता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। ये वाला कलर लिया, इसकी कोडिंग आपको कॉपी करनी है, कॉपी किया, उसके बाद आपको वापस टेम्पलेट में जाना है, एंड यहाँ पर आपको सब जगह इसको चेंज कर देना है, ठीक है।
तो मैं सब जगह चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पर हमने सब जगह जो कि ये कलर है वो चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर वापस जाते हैं कलर के ऊपर, सेलेक्ट करते हैं कलर को। कलर हमने यहाँ पर टाइप किया, ऊपर जाना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैंने ब्लू की जगह तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज वाला थोड़ा सा कर दिया है। अब सेव थीम पे हमको क्लिक करना है, रिफ्रेश करना है कि कैसी दिखती है हमारा यार टेम्पलेट। ओके, सेव हो चुका है, अब आपको रिफ्रेश करना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वन प्रेस का यहाँ पर वन प्रेस लिखा हुआ है, वहाँ पर जो ऑरेंज कलर हमने सेट किया था वो वाला आ चुका है। एंड उसके अलावा यहाँ पर सेकंड में तो यहाँ पर ब्लू ही आ रहा है। एंड बाकी हम बात करते हैं, यहाँ पर जो होवर कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे सब मेन्यू में आप देख सकते हैं, होम पे जाते हो तो होम भी यहाँ पर थोड़ा नारंगी दिख रहा है। एंड यहाँ पर न्यूज़ भी, टेक्नोलॉजी भी, यानी कि अब आप वर्ड प्रेस, यहाँ पर आप फेसबुक ट्विटर पर जाते हो यहाँ पर भी आपको सारे दिखते हैं कलर में, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा कलर है जो कि सेम चेंज हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके होवर कलर की, तो होवर कलर यहाँ पर जो अलग से दे रखा है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं होपर के हेडर कलर की, उसको कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आपको नीचे जाना है, यहाँ पर कलर हमने सर्च कर दिया है, उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद हमको बैकग्राउंड वाला कलर यहाँ पर चेक करना होगा कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको हेडर बीजी नाम से मिलेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हेडर बीजी नाम से हमको यहाँ पर कलर मिल चुका है, सिंपल सा देख सकते हैं हेडर बीजी एंड हेडर बीजी टू, ठीक है। तो एक के अंदर तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो कि हैशटैग 0933 ये वाला कलर है वो हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है। तो कॉपी करना है इसको, वापस जाना है HTML CSS कलर में, यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है इसको। एंड यहाँ पर आप कलर दिख जाएगा आपको साइड के अंदर कि कौन सा वाला कलर यहाँ पर आया है, ठीक है। तो सॉरी अभी तक नहीं आया, ये ठीक है, ठीक है, आ चुका है। अब इसको हमको यहाँ पर दूसरा कलर जो कि सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। हमने ये वाला कलर यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं, अब इसको कॉपी करना है, ये वाला कलर हमको डालना है। सबसे पहले हमको कलर चेंज करना है, तो इस वाले कलर को हमको कॉपी करना होगा, इसको यहाँ पर सर्च करना होगा, सर्च किया हमने। अब यहाँ पर जहाँ पर भी ये वाला कलर है उसको हमको यहाँ पर दूसरा वाला कलर जो कि पेस्ट कर देना है, ठीक है। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा कलर जो कि सेट हो चुका है। ओके, अब आपको सेव थीम पे क्लिक करना है वापस। एंड यहाँ पर आपको वापस रिफ्रेश करना होगा थीम को, आपका कलर है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो कलर है जो कि चेंज हो चुका है, हमने यहाँ पर कलर चेंज कर लिया है। अब गाइस यहाँ से आप इमेज भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो कि तीर का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपको जो कलर है वो दिख रहा है कि ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ठीक है, डार्क ब्लू। इसको कैसे चेंज करना है, सबसे पहले आपको सर्च के अंदर लिखना होगा होवर, ठीक है, HOVER। होवर आपने सर्च किया तो होवर कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, हैशटैग FFF ये वाला कलर है इसके अंदर दिखा रहा है, ये वाला कलर है इसके अंदर। तो इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा, आप देख सकते हो सिंपल सा, जो कि होवर कलर ये वाला नहीं है, तो आपको F99 ये वाला तो हमने पेस्ट किया है। इसके अंदर जो ब्लू कलर है उसको हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू वाला तो देखते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन बीजी करंट, ठीक है, बीजी कलर है जो कि बटन का होवर है, उसके अंदर यहाँ पर आपको जो कलर मिल रहा है यहाँ पर 3949A3, ठीक है। इसको हमको कॉपी करना होगा, इसको डालना है इसके अंदर वेबसाइट में, और यहाँ पर देख सकते हो ब्लू आ चुका है। ओके, तो इसको आपको सर्च कर लेना है कलर के अंदर, क्योंकि इसके पूरे कलर से जो कि चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो दो ही जगह पर ये कलर है, उसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर इस वाले कलर से, इसको कॉपी करना है सिंपल सा सिलेक्ट करके, एंड यहाँ पर जाके पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये गाइस, तो कि जो मेन इम्पोर्टेंट होता है कि हम कोई भी थीम लेते हैं तो उसका कलर जो कि ऑटोमेटिक सेट आता है, और उसको हमको चेंज करना होता है क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अपने हिसाब से हम अपने जो भी थीम है, हमारी चैनल का कलर है या फिर कोई भी टेम्पलेट कलर है, उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको F5 दबाना है, उसके बाद हमारे पास केवल दो कलर यहाँ पर नीचे रह गया है, केवल फूटर वाला, ठीक है। तो होवर कलर भी हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, ठीक है।
सारा कलर हमारे यहाँ पर चेंज हो चुका है। फुटर की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना होगा फुटर, ठीक है। फुटर हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटर बैकग्राउंड में यहाँ पर आपको #171C24 वाला कलर मिल रहा है, यानी कि आपको थोड़ा ब्लैक वाला दिखेगा ये कलर। आपको जाना है CSS कलर में, वापस पेस्ट करना होगा। ये ब्लैक है तो इसको हम अपना हिसाब से कोई सा भी कलर दे सकते हैं, तो ये वाला कलर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी करना है यहाँ पर आपको, कहाँ गया ये वाला, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट किया हमने, जहाँ पर भी 171C24 है वहाँ पर हमको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। हमने दो जगह यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। हमको सारे कलर जो कि यहाँ पर जो कि सरल हो जाता है हमारे को एस्टीमेट CSS कलर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि फुटर बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन फुटर बार बैकग्राउंड है उसका कलर यहाँ पर ब्लैक से आया है, ठीक है। इसको हमको चेंज करना है, तो हमने पहले ये वाला कलर किया था, अब हमको ऑरेंज वाला करना है, ठीक है। हम दोनों में थोड़ा चेंज कर देते, थोड़ा अलग सा दिखेगा। ओके, क्लिक करना है वापस टेम्पलेट में, यहाँ पर डालना है आपको कलर को, पेस्ट कर देना है। ओके, ये कहाँ कहाँ है, दो जगह है, तो यहाँ पर आपको जाना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया हमने कलर को। अब हमारा बैकग्राउंड कलर है जो फुटर का, वो भी चेंज हो चुका है, सेव थीम करनी है। उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस आ सकती है यहाँ पर, हमको थीम का यहाँ पर जो कि टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पर गड़बड़ कर सकता है, तो रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम का कलर कुछ अलग सा दिख रहा है, ठीक है। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमको सही से समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे करना है इसकी बात करते हैं। जो कि फुटर का टेक्स्ट कलर आपको यहाँ पर दिखेगा ये रहा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड नंबर पर फुटर टेक्स्ट कलर, इस डबल ट्रिपल ए वाले को हम यहाँ पर वाइट कलर करते हैं तो अच्छा दिखेगा। फिर हमको यहाँ पर जो कि सूटेबल लगेगा तो हम वाइट ही कलर कर देते हैं, क्योंकि वाइट अच्छा लगेगा। तो वाइट कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है, कॉपी करना होगा, टेक्स्ट कलर में पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो कि 5A दिख रहा है आपको, यानी कि डबल, पहले यहाँ पर AAA था, अब यहाँ पर हमने FFF कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेव कर देना है, सेव कर दिए। अब गाइस रिफ्रेश करना है, तो गाइस हमारा जो कि लोगो भी आ चुका है, साथ में हमारी थीम का पूरा कलर भी चेंज कर दिया है हमने। हाँ, यहाँ पर गाइस जो कि डिस्क्रिप्शन आता है, हम जो भी यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि मैंने ये पोस्ट लिखी है, तो यहाँ से मैं एक पोस्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। ये हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर जो कि ये डिस्क्रिप्शन में जो कि ये ब्लैक कलर में आ रहा है, वो किसी किसी वेबसाइट के अंदर ब्लैक के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो उसको अगर आपको ब्लैक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पर मैं एक पोस्ट कर देता हूँ, उसका कलर है जो कि मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कोडिंग कॉपी कर रखी है, तो कोडिंग को मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है HTML, मैंने यहाँ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, उसके बाद पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश किया मैंने, अब इसको आपको ब्लॉक को वापस व्यू करना होगा, F5 दबाना होगा, ठीक है। तो HTML आराम से आ गया है। अब यहाँ पर इसका होवर कलर देखते हो आप, इसके ऊपर जाना है, यहाँ पर होवर कलर जो कि ऑटोमेटिक ऑरेंज हो चुका है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके हम बैकग्राउंड यहाँ पर जो अंदर का कलर है वो भी चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा ब्लैक नहीं दिख रहा है, तो इसको ब्लैक कैसे दिखाना है इसके लिए आपको सिंपल सा है, वापस जाना है थीम पे, एडिट HTML पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, जहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन का टाइटल जो कि दिख रहा है कलर, वो हमको यहाँ से चेंज करना होगा। एक बार हम ये जो कि 75 दिख रहा है उसको हमको कॉपी करना है, एक चेक करना है कौन सा वाला कलर है, ये वाला कलर, तो इसकी जगह हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इसकी हमें जगह हमने ब्लैक कर दिया है, यहाँ पर दो जगह होता है 75 जो भी कलर होता है, हमने यहाँ पर चेक कर लिया है, सेव थीम करना है। उससे पहले हम यहाँ पर ऊपर चल जाते हैं, तो पोस्ट का टाइटल देखते हैं एक बार वापस,
तो गाइस यहाँ पर जो कि 75-75 वाला आपको जो कोडिंग दिख रही है उसको आपको सर्च करना होगा, यही है जो कि मेन कलर है, इसको हमको यहाँ पर चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक वाला कलर हमको कॉपी करना है। अब सर्च कर दिया हमने 75 वाला, जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है ब्लैक कलर को। ठीक है, अब हमारा ऑल सेट हो चुका है, सेव थीम करनी है। अब हमारा डिस्क्रिप्शन का कलर है वो भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो सॉरी। अब यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है, उसके बाद आपका कलर है जो कि ब्लैक हो चुका है, सिंपल सा आप देख सकते हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पर हमने कस्टमाइज़ कर ली वन प्रेस की थीम को, यहाँ पर हमने कलरिंग चेंज कर ली पूरी तरीके से। तो इसके अंदर आपको चेंज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको थीम डाउनलोड करनी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बस इतनी ही थी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए बाय।